हरियाणा एच 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रताप स्कूल खरखोदा की धरोहर धर्मप्रकाश आर्य की प्रेरणादायक जीवन गाथा। प्रताप स्कूल के प्रिंसिपल धर्मप्रकाश आर्य का जन्म वर्ष 1968 में रोहणा गांव में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहणा से प्राप्त की। दसवीं शिक्षा शंभु दयाल स्कूल सोनीपत से प्राप्त की। BSc की शिक्षा CRZ कॉलेज सोनीपत से प्राप्त की। BEd की शिक्षा टीकाराम कॉलेज सोनीपत से की। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से MA इन फिजिकल एजुकेशन वर्ष 1995 में। पटियाला से कुश्ती में NIS किया। गांव की प्रतिभा को निखारने के लिए वे गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए राजकीय उच्च विद्यालय में निःशुल्क साइंस विषय की शिक्षा देने का भी कार्य किया। धर्मप्रकाश आर्य सहित चारों भाइयों के सहयोग से उनके पिताजी प्रताप सिंह नंबरदार की स्मृति में वर्ष 1999 में प्रताप सिंह मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की शुरुआत हुई। 21 नवंबर वर्ष 1999 को विवाह हिसार के खांडा खेड़ी किया गया। सामाजिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाज में दहिया खाप का प्रथम अग्रणी गांव रोहणा रहा, जहां पर लोगों के सहयोग से पाइपलाइन दबाकर पीने के पानी की व्यवस्था की गई, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करने का काम किया। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है, इस बात को अपने जीवन में आत्मसात करके आर्य समाज मंदिर रोहणा में युवाओं के लिए अखाड़ा, व्यायाम के लिए खेल उपकरणों की व्यवस्था करना व स्नान की उत्तम व्यवस्था प्रदान की। आर्य समाज की 6वें नियम का पालन किया। अंधविश्वास पाखंड को दूर करने के लिए विद्वानों के द्वारा प्रचार कराकर लोगों को इनसे दूर करने के लिए, शिक्षित करने के लिए अनेकों बार कार्यक्रम कराए। रोहणा की ऐतिहासिक व सबसे पुरानी 7 चौपाल में बिजली बैठने के लिए तख्तों की व्यवस्था की। धर्म के कार्यों में नाम के अनुसार बचपन से ही उनकी रुचि रही। पुराने समय की यदि बात करें तो उस समय जब महाभारत के प्रति लोगों का बहुत अधिक रुझान था, लाइट की व्यवस्था गांव में ठीक न हो पाने के कारण महाभारत नहीं देख पाते थे, उनके लिए अपने घर पर जनरेटर व बैटरी की व्यवस्था करके लोगों की भावनाओं को समझने का काम किया। ग्रामीणों को महाभारत दिखाने में रोल अदा किया। अपनी शिक्षा अर्जित करने के साथ साथ अपने बड़े भाई सतप्रकाश नंबरदार के खेतीबाड़ी के काम अन्य कामों में भी हाथ बटाने लगे। इस कड़ी में गुरुकुल मटिंडू में उनकी मुलाकात महान शिक्षाविद किशोरी लाल गुप्ता से हुई। उन्हीं के सुझाव पर वह मार्गदर्शन में खरखोदा कस्बे व आसपास के ग्रामीणों के लिए एक ऐसे विद्यालय के निर्माण का विचार इनके मन में आया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अच्छी शिक्षा अर्जित करके देश के अच्छे नागरिक, चरित्रवान व बलवान बनकर अपने हरियाणा प्रांत ही नहीं देश का नाम रोशन करने का काम करें। नेक नियत, उच्च विचार, सात्विक आहार उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति रही है। इसी कारण प्रताप स्कूल के विद्यार्थियों ने जहां एक ओर शिक्षा के क्षेत्र में बोर्ड परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन करके अनेकों बार हरियाणा विद्यालय बोर्ड में छात्रा सीमा ने 4th स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया, सोनीपत जिले में 3rd स्थान प्राप्त किया। अनेकों विद्यार्थियों ने अनेकों विश्व में 100% अंक प्राप्त किए व इनके अनेकों विद्यार्थी इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट व सेना के पदों पर हरियाणा प्रांत का नाम रोशन कर रहे हैं। अनेकों छात्र विदेशी धरती पर भी अपना परचम लहरा रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में प्रताप विद्यालय के हजारों छात्रों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों मेडल जीतकर विद्यालय का ही नहीं भारत देश का भी नाम रोशन किया। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, इस बात को वह भली भांति जानते थे, इसलिए छात्रावास के लिए जैविक खेती व अपनी डेयरी फार्म से शुद्ध दूध की व्यवस्था प्रदान की। विद्यालय के साथ साथ सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। क्षेत्र में जहां कहीं पर भी खेल, सामाजिक, धार्मिक कोई भी कार्यक्रम होता तो वह उनसे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते थे। उनकी इस कार्यशैली को देखते हुए विभिन्न सामाजिक संगठन उनके साथ जुड़ते रहते थे। वर्तमान में मानव अधिकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव के पद को सुशोभित कर रहे थे। आर्य समाज खरखोदा के प्रधान जग उत्थान खेल शिक्षा समिति के मार्गदर्शक संरक्षक प्रताप स्पोर्ट्स क्लब के सचिव व्यापक कार्य क्षेत्र होने के कारण धर्मप्रकाश शारे को अनेकों अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सोनीपत रतन अवार्ड, राष्ट्रीय शिक्षक गौरव अवार्ड 14 अप्रैल 2018, हरियाणा गौरव अवार्ड स्मृति ईरानी द्वारा बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड, अनेकों
को सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा अनेकों अवार्डों से सम्मानित किया गया। जो भी व्यक्ति उनसे मिलता, उनसे बातचीत करता तो उनसे पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाता था। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, केमिकल पीलिंग, मेसोथेरेपी, PRP, माइक्रो डर्मा ब्रेसन, डर्मा रोलर, रेडियो फ्रिक्वेंसी, कंसल्ट डॉक्टर प्रशांत त्यागी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट 705-651-1111। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।